हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टॉप 3 अपकमिंग बेस्ट 5G स्मार्टफोन। तो पहले नंबर पर आता है Huawei Mate X। इसका डिस्प्ले साइज है 6.6 इंच डिस्प्ले, प्रोसेसर है हाई सिलिकॉन किरिन 980 प्रोसेसर एंड एंड्रॉयड पी 9.0 में इसमें रन करेगा। एंड रैम है इसका 8GB रोम रैम एंड इसका रोम है 512GB इंटरनल स्टोरेज एंड इसका कैमरा है 40+0+8 ट्रिपल रियल कैमरा है। नो फ्रंट कैमरा, मतलब इसका फ्रंट कैमरा नहीं है, वही स्लाइड करके आगे पीछे घूमेगा। एंड इसका बैटरी है 4500mAh का। एंड इसका प्राइस इंडिया में आने वाला है 185,290 रुपीज में आपको इंडिया में मिल जाएगा ये स्मार्टफोन 5G स्मार्टफोन Huawei के तरफ से। एंड ये दिसंबर मास के पहले ही आ जाएगा इंडिया में। तो ये स्मार्टफोन आप लोगों को कैसे लगा बताना। तो सेकंड नंबर पर सैमसंग गैलेक्सी S10 5G। इसका डिस्प्ले साइज है 6.7 इंच डिस्प्ले एंड इसका प्रोसेसर जो है सैमसंग एक्सिनोस 9 ओक्टा प्रोसेसर एंड एंड्रॉयड पीए 9.0 वर्सन में इसे रन करेगा। एंड इसका रैम है 8GB रैम, रोम है 256GB इंटरनल स्टोरेज एंड कैमरा है 12+12+16 ट्रिपल रियल कैमरा है। एंड इसका आगे भी फ्रंट है, फ्रंट कैमरा है 10MP फ्रंट कैमरा है। एंड इसका बैटरी जो है 4500mAh का है। एंड इसका प्राइस जो है करीब 90,000 के पास। एंड ये भी दिसंबर मास में ही आने वाला है। तो ये फ़ोन भी कैसा लगा आप ज़रूर बताना मेरे कमेंट में। एंड थर्ड जो नंबर है, थर्ड नंबर पर है वीवो एपिक। इसका डिस्प्ले साइज है 6.39 इंच डिस्प्ले, प्रोसेसर है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर एंड 9.0 में इसमें रन करेंगे एंड्रॉयड पीओ। इसका रैम है 12GB रैम, इसका रोम है 512GB इंटरनल स्टोरेज, कैमरा है 12+13 डुअल रियल कैमरा है, मतलब ये ट्रिपल नहीं, ये डुअल है, फ्रंट कैमरा नहीं है, बैटरी 4100mAh, प्राइस 45,000।